हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है बिजनेस सर्विसेज एंड इट फीचर्स। बिजनेस सर्विसेज क्या हैं और उसका नेचर यानी फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्विसेज क्या हैं, सर्विसेज किसे कहते हैं, व्हाट आर सर्विसेज। सर्विसेज आर द एक्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस। Services are the act or performances performed by one party to another for consideration. Services are the act or performances performed by one party to another for consideration. Consideration yani money. एक बंदा जब दूसरे बंदे के लिए काम करता और बदले में पैसा लेता है तो उसको हमने नाम दे दिया services. सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज हेल्प्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। सर्विसेज हेल्प्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बगैर सर्विसेज के चल सके। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें तरह तरह की सेवाएं लेनी पड़ती और सेवाएं फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए हमें कंसिडरेशन यानी पैसा यानी मनी पे करना पड़ता। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं अप्रोक्सीमेटली 60%। इट कंट्रीब्यूट्स 60% ऑफ जीडीपी। इतना ही नहीं, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अप टू 30%। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अप टू 30%, यानी 30% कंट्रीब्यूशन इसका किस में है, एम्प्लॉयमेंट पे। तो ज्यादा अच्छे से जानने के लिए कि सर्विसेज क्या हैं, तो देखेंगे उसका नेचर और फीचर्स ऑफ सर्विसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन इज इंटेंजिबल। सर्विसेस आर इंटेंजिबल। सर्विसेस कैन नॉट बी सीन एंड टच। आप सेवाओं को ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, बस आप उसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक को तो देख सकते हो, बैंक के एम्प्लॉयज को भी देख सकते हो, लेकिन आप उनकी सेवाओं को सिर्फ महसूस कर सकते हो। टीचर को आप देख सकते हो, टीचर को आप छू सकते हो, लेकिन टीचर की सेवाओं को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। पॉइंट नंबर टू इज हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस का मतलब होता है नॉट होमोजिनस, यानी नॉट सेम। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं ना, हर एक का अपना अपना सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका होता। सब लोग सेम तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टॉपिक में सिखा रहा हूं, क्या सब लोग सेम तरीके से सिखाते होंगे? हर टीचर का अपना सिखाने का तरीका होता है, हर डॉक्टर का अपना इलाज करने का तरीका होता है, हर ऑटो वाले का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। आप कहीं से भी सर्विस लेते हो तो हर सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विसेज सबकी सेम नहीं होती। पॉइंट नंबर थ्री इज नॉन स्टॉकिंग और पेरिशेबल। कहा जाता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सर्विसेज आर डैश सर्विसेज आर पेरिशेबल। सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में फ्लाइट जा रही है, उसमें कुछ सीट्स वैकेंट है, फ्लाइट भरा नहीं, आधे से ज्यादा फ्लाइट खाली है, तो क्या उसको हम शाम को जो फ्लाइट जाने वाली उसको सेल कर सकते उस समय? पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू, एक बैंक एम्प्लॉय चार दिन से छुट्टी पर है, पांचवें दिन वो काम पे आया, तो क्या वो पांच दिन का काम अभी एक साथ करेगा? नो। आप रास्ते पे, एग्जाम्पल नंबर थ्री, आप रास्ते पे ऑटो का इंतजार कर रहे थे, नहीं मिला आपको ऑटो, आप पैदल ही घर चले आए, तो क्या वही ऑटो आप नेक्स्ट डे लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते, सर्विसेज आर पेरिशेबल, सिंपल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन ट्रांसफरेबल, यानी नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नॉन ट्रांसफरेबल यानी नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गुड्स में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। आपने मार्केट से मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, आप उसके मालिक बन गए। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। आपने होटल बुक की तो आप होटल में जितने दिन रहेंगे उतना दिन आप सर्विस लोगे, वो हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जितनी बार आप उस होटल में जाएंगे उतनी बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप हमेशा हमेशा के लिए उस होटल के उस सर्विस के मालिक नहीं हो सकते। एग्जाम्पल नंबर टू, आप डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया कि डॉक्टर साहब बुखार है, उन्होंने इलाज किया, आपने फीस पे कर दिया, फिर से बुखार आया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इलाज करने जाओगे पैसा दोगे? हम बोलोगे पहले पैसा दिया था, अब तो बुखार की कुछ वारंटी होती है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर थ्री, आप पैसा दे रहे हो, टीचर आपको सिखा रहा है, ट्यूशन से आपको पढ़ा रहा है, तो जितनी बार आप सेवाएं लेंगे वो हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज
पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रैवल करना है तो ऑटो रेडी है, आपको ऑटो में बैठना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से वहाँ पहुँच पाएंगे। बगैर आपके पार्टिसिपेट किए आप ये सर्विस नहीं ले सकते। तो कस्टमर का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बुखार है, आपको तकलीफ है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी आपका इलाज होगा। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको वो सर्विस, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। गुड्स को ना हम अंदाजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मोबाइल कंप्यूटर एक अंदाजा लगा के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट सर्विसेज में हम इस तरह से एंटीसिपेट करके अंदाजा लगा के एडवांस में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सर्विसेज आर पेरिशेबल। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले से हेयर स्टाइल बना के रख सकते? पॉसिबल नहीं है। जब कस्टमर सलून में आएगा, ब्यूटी पार्लर में आएगा, तभी उसको वो सर्विस मिलेगी। तो इसको हम पहले से स्टॉक नहीं कर सकते, एडवांस में बना के नहीं रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर। गुड्स कैन बी रिटर्न टू द सेलर। गुड्स की बात करें, मार्केट से आप शर्ट लेके आए, कपड़ा लेके आए, कोई प्रोडक्ट लेके आए, वो डिफेक्टिव आप रिटर्न कर सकते हो, बट सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी रिटर्न। बराबर, पुअर क्वालिटी ऑफ आपको कोई भी सर्विस मिला, डॉक्टर ने आपका बराबर से इलाज नहीं किया, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। सर्विसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, जबकि गुड्स को हम रिटर्न कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन। डिफिकल्टी इन वैल्यूएशन, गुड्स का वैल्यू निकालना आसान होता है, सर्विस में वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, आपसे पैसा लिया, आप कभी भी उसका वैल्यू निकाल नहीं पाओगे कि डॉक्टर ने मुझसे पैसा ज्यादा लिया या कम लिया। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू, टू कैलकुलेट वैल्यू इन सर्विसेस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।